नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो के अंदर हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आप एक न्यू एस्पिरेंट हैं जिसने अभी तक यूपीएससी के बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको डेफिनेटली ये बात बोल सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में तैयारी को शुरू कैसे करना है इस टॉपिक को लेकर आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के अंदर हम उस हर बेसिक पॉइंट को कवर करेंगे कि तैयारी को शुरू कैसे करना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, सारी बातों को हम ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। इंट्रो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कि तैयारी को शुरू करते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको आपके खुद की एक पर्सनल स्ट्रेटजी बनानी है, एक ऐसी स्ट्रेटजी जो किसी और की कॉपी ना हो। हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटजी किसी से इंस्पायर्ड हो लेकिन किसी की कॉपी ना हो, इसका आप ध्यान में रखिएगा। अब बात रहती है कि आप खुद की स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे। दोस्तों सबसे पहली बात, मतलब मैं आपको जो फेज बता रहा हूँ, अगर आप अभी तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, लाइक अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कम से कम आप आज से 5 दिन या फिर 10 दिन अपने ऊपर दीजिएगा, जिस दौरान आप ना कोई बुक खरीदेंगे ना आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर टाइम को देकर ये सोचेंगे कि आपको करना कैसे है। और इसके लिए आप इन 10 दिनों के अंदर टॉपर्स के वीडियो देखेंगे, टॉपर्स के स्ट्रेटजी के वीडियो होते हैं वो देखेंगे, जो कि आपको YouTube पे बहुत सारे चैनलों पे देखने को मिल जाएंगे। हमारे खुद के चैनल के ऊपर भी टॉपर्स टॉक करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको बहुत से टॉपर्स के इंटरव्यू देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से आपको टॉपर्स की स्ट्रेटजी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। सेकेंड थिंग, आप सिलेबस को पढ़ेंगे, सिलेबस को होकर गुजरेंगे, सिलेबस के माध्यम से आप ये जानेंगे कि आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, किन किन सब्जेक्ट को पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। मैंने सिलेबस के ऊपर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दे रखा था। सिलेबस अगर आपको सिलेबस को बाय करना है, सिलेबस की बुक को बाय करना है, तो डिस्क्रिप्शन को विजिट कीजिएगा, जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और इन सब के बाद में आपको एक आपका पर्सनल शेड्यूल बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ेंगे तो आप लाइब्रेरी में कैसे जाएंगे, या फिर आप घर पर पढ़ेंगे तो घर पर क्या शेड्यूल होगा, अगर आप कोचिंग ज्वाइन करने वाले हैं तो क्या शेड्यूल होगा, इन सारी चीज़ों को आप अभी तक अगर आपने फिक्स नहीं किया है तो सबसे पहले जाके इसको फिक्स कीजिएगा और आपकी पर्सनल जो स्ट्रेटजी है उसको आज के आज बनाना शुरू कर दीजिएगा। सो ये तो रहता है हमारा फर्स्ट स्टेप, जो आके आपको तैयारी को शुरू करने से पहले करना है। ये हैं आपके शुरुआत के 10 दिन तैयारी को शुरू करने से पहले। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाऊं, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और ऐड करना चाहूँगा वीडियो के बीच में, जो कि है फ्री क्लासेस को लेकर। दोस्तों अगर आप यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो इन क्लासेस को देखने के बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ प्रेप लेटर एप्लीकेशन की। प्रेप लेटर जो कि इंडिया का एक शानदार प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको इंडिया के रिनाउंड टीचर एक साथ में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी इकोनॉमी के सभी क्लासेज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल रही हैं, वो भी विवेक सिंह सर के द्वारा। विवेक सिंह सर जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं अपने इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी की इनकी बुकें भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, इनसे आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जब आपको फ्री में पढ़ने का मौका मिल रहा है तो इसको मिस मत कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके इसको डाउनलोड कीजिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में आप इसको साइनअप कर लीजिएगा, यूपीएससी ऑप्शंस में आकर साइनअप करेंगे। आप वीडियो वाले सेक्शन में आकर आप इकोनॉमी वाले ऑप्शन में आएंगे, तब आपको वहाँ पे कोड पूछा जाएगा और कोड के तौर पे आप यूज़ करेंगे CA99। जैसे आप ये कोड डालेंगे आपके लिए सभी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। कोड याद रखिएगा CA99। क्लासेस के साथ में आपको यहाँ पे फ्री में नोट्स देखने को मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स की मैगजीन देखने को मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएंगी, पुराने सालों के पेपर देखने को मिल जाएंगे, एनसीईआरटी की समरी देखने को मिल जाएगी और ढेरों क्विजेज वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगी। तो इसको मिस मत कीजिएगा, इतने शानदार चीज़ें अगर आपको फ्री में देखने को मिल रही है तो मिस मत कीजिएगा। और जो हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट है वो भी कहते रहते, तो उनको भी मैं बता दूँ, अभी यहाँ पर हिंदी में भी क्लासेज अवेलेबल है, आप हिंदी में भी साइनअप कर सकते हैं, तो जाइए और विजिट कीजिए। चलते वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमने हमारा फर्स्ट स्टेप देख लिया है कि हमको तैयारी को शुरू करने से पहले हमें हमारे स्ट्रेटजी को बनाना है। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड स्टेप की तरफ कि हमको सेकंड तौर पे हमको क्या करना है। एक बार अगर हमारी सारी स्ट्रेटजी तैयार हो गई है, हम 10 दिनों के अंदर टॉपर्स के वीडियोज वगैरह देख लिए हैं, अब हमको एनसीईआरटी को उठाना है और एनसीईआरटी से हमको हमारी तैयारी को शुरू करना है। साथ साथ में आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या फिर करंट अफेयर्स के वीडियोज आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। एनसीईआरटी के लिए आप वीडियोज़ ना देखिएगा, एनसीईआरटी के लिए आप डायरेक्ट एनसीईआरटी को पढ़िएगा। कैसे पढ़ना है, किस हिसाब से आपको इसको फॉलो करना है, इसके ऊपर मैंने कल ही एक वीडियो बना के आपको दिया था, हाउ टू रीड एनसीईआरटी 90 डे करके। तो 90 दिनों के चैलेंज के अंदर एनसीईआरटी को कैसे फिनिश कर सकते हैं उसको आप जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप एनसीईआरटी को 90 दिनों का चैलेंज नहीं देंगे, 90 से 100 दिनों का,
तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप एनसीईआरटी को इतने कम टाइम में क्या आप 150 या फिर 200 दिनों में भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इसको ख़त्म करने के लिए आपको एक टारगेट की ज़रूरत हमेशा रहेगी, एक चैलेंज की ज़रूरत हमेशा रहेगी, तो उसको देखकर ही आप कीजिएगा। कैसे करना है ये जानकारी आपको उस वीडियो से देखने को मिल जाएगी। सभी एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है वो भी जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी। अब एक बार आपने अगर एनसीईआरटी को पढ़ लिया है तो अब आप स्टैंडर्ड बुकों की तरफ से पढ़ जाएंगे। स्टैंडर्ड बुकों के तौर पे आप सभी बुकों को नहीं पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड बुकों को कुछ सब्जेक्ट के लिए पढ़ेंगे, कुछ सब्जेक्ट के लिए आप नोट्स को भी रेफर कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि हम बात करेंगे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, तो कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, चुनिंदा सब्जेक्ट होते हैं जिनके लिए हमको स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की नीड रहती है, लेकिन कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम बिना बुकों के भी कवर कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के दे रखा है, उसको आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो आपको सेलेक्टिव स्टैंडर्ड बुकों को पढ़ना है, बाकी इसकी जानकारी आपको टॉपर स्टॉक के माध्यम से और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। साथ में आप कोचिंग के नोट्स को भी रेफर कर सकते हैं, लाइक आप कुछ एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एंशियंट इंडिया को या फिर आर्ट एंड कल्चर को, तो उसके लिए आप कोचिंग के नोट्स रेफर कर सकते हैं। और कोचिंग के नोट्स को अगर बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मेंशन मिल जाएगी। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप स्ट्रेटजी बनाना है, सेकंड स्टेप एनसीईआरटी को पढ़ना है, थर्ड स्टेप हमारा अब हमको स्टैंडर्ड बुकों की तरफ शिफ्ट हो जाना है। जब अब अगर हम 2 से 3 महीने तक पढ़ रहे हैं, अब हमारी तैयारी को करते हुए हमारे पास में करीब 5 महीने के आसपास में हो गए हैं, अब एक टाइम रहता है जिस समय हमको हमारा ऑप्शनल का चुनाव करना है। कुछ लोग तैयारी के शुरुआत में ही ऑप्शनल का चुनाव कर लेते हैं और वो सिर्फ किसी के इन्फ्लुएंस में होकर करते हैं और वो उनका एक गलत डिसीजन रहता है। मैं आपसे बोलूँगा कि ऑप्शनल का चुनाव आप कुछ टाइम पढ़ने के बाद में कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है और किस सब्जेक्ट को आप आगे सोच करना चाहते हैं। ऑप्शनल को चुनाव करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा। खैर इसके ऊपर मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के अलग से दूंगा, पर आप इन बातों को ध्यान में रख सकते हैं। पहली बात आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है वो जरूर देखिएगा। सेकंड थिंग हाई स्कोरिंग, कौन सा सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग है। इस बार मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, वो फैक्ट के साथ में। ऐसे ही नहीं कि अब मैं किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ तो उसको बढ़ाई कर ली, कोई टीचर किसको पढ़ा रहा है तो उसने बढ़ाई कर ली, ऐसा नहीं। फैक्ट के साथ में कौन सा सब्जेक्ट कितना ज़्यादा स्कोरिंग है वो वीडियो भी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट है इंटरेस्ट, सेकंड है हाई स्कोरिंग, थर्ड है इजी टू कवर एंड अवेलेबल भी ईजी से हो जाए। कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि ईजिली अवेलेबल नहीं होते, लाइक फिजिक्स जैसा ऑप्शनल है, केमिस्ट्री जैसा ऑप्शनल है, तो आप थोड़ा सा सोच के इसको लीजिएगा। और सेकेंड थिंग, अगर आपको इन तीनों में से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको देख सकते हैं, कोई ऐसा ऑप्शनल जो कि आपने पहले पढ़ा हो, ऑप्शनल का मतलब पेपर, कुछ ऐसा सब्जेक्ट जो आपने पहले पढ़े हो तो उसको आप रेफर कर सकते हैं, उनको आप कंसिडर कर सकते हैं। लाइक आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या स्कूल टाइम में पढ़ा हो तो आप उसको देख सकते हैं। तो आप ऑप्शनल को देखिएगा, तो इन अगर 4-5 स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप तैयारी को शुरू कर पाएंगे। बाकी इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तैयारी के साथ में कि आपको डे बाय डे अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना है। वो कैसे लाएंगे, फर्स्ट स्टेप है टारगेट एंड रिवॉर्ड। ये कैसे टेक्निक है, अपने आपको डेली बेसिस पे टारगेट दीजिए, जब टारगेट अचीव होगा तो आपको एक रिवॉर्ड मिल जाएगा, अपने आप आपको लगेगा कि आपने कुछ रिवॉर्ड पा लिया है। तो टारगेट एंड रिवॉर्ड एक ऐसी टेक्निक हो सकती है जिससे आप अपने अंदर डे बाय डे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अपनी पर्सनालिटी के ऊपर हमेशा ध्यान दीजिएगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, अपनी टॉकिंग स्किल के ऊपर हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगी। ऐसा ना हो कि आप तैयारी करते जाइए और आप इंटरव्यू का ध्यान ना रखें। इंटरव्यू का आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप 3 महीने में इंटरव्यू तैयार नहीं कर सकते, इस बात को थोड़ा सा पर्सनली लीजिएगा। सेकंड थिंग, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते जाइएगा, बिना आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के आप मेंस में लुढ़क जाएंगे, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हमेशा साथ में रखिएगा, जो कि आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। कौन से बुक को खरीदना है, आप दिशा की बुक को खरीद सकते हैं जो कि मुर्दान सर के द्वारा लिखी गई है, या फिर आप दृष्टि की बुक को भी खरीद सकते हैं जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के आप आपकी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी जरा से भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। और अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है जो मुझे सॉल्व करना चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर सकते हैं, वैलिड क्वेश्चन पर मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ में आपसे दोबारा मिलूँगा। मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।